हर खबर को जानना आपका हक है, उसे आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज। हमारी भरपूर कोशिश रहती है इस रीजन की हर खबर को पहुंचाएं आप तक, निष्पक्षता से, निडरता से, रायपुर। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा राज्य सरकार द्वारा समझौते के बावजूद मांगों को लागू नहीं करने के विरोध में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की गई, जिसमें तहसील के सभी जिला विकास अधिकारियों ने काले कपड़े पहनकर पंचायत समिति राय सिंह नगर में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए सुशील गुदारा ने बताया कि सरकार लिखित समझौता होने के बावजूद यदि वादा खिलाफी करती है तो मजबूरन राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ को संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ेगा। संघ द्वारा चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया है, जिसमें आज 21 तारीख को ग्राम पंचायत समिति स्तर पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जाएगा, जो कि पूर्व में समझौता सरकार के द्वारा समझौता लागू किया हुआ था, वो समझौता आज दिनांक तक नहीं लगा, जिसमें 45 दिनों का मंत्री द्वारा टाइम दिया गया था। और इसके बाद सबसे मुख्य मांग हमारी कैडर स्ट्रेंथ, और हमारे जो नए साथी है वो 600-600 किलोमीटर दूर यहाँ बैठे हैं, एक तो मुख्य मांग ये है। दूसरी है मुख्य मांग वेतन विसंगति, वेतन विसंगति एक बहुत ही बड़ी जटिल समस्या हमारे लिए। इस दूसरा मुख्य मुद्दा है ग्रेड पे 3600, और मंत्री द्वारा बार बार आश्वासन देने के बाद भी हमारी कोई मांग पूरी नहीं की है। उन्होंने समझौता लिखित समझौता लागू होने के बाद भी उन्होंने लागू नहीं किया, इसलिए मजबूरन हमारे ग्राम विकास संघ प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व में हमें मजबूरन ये काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है।